नमस्कार दोस्तों, मैं शाइनी सेठ। कैसे आप दोस्तों? मेरे के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करने जा रही है भाई, घी से कितना कमाल धमाल हो सकता है। इतने जबरदस्त उपाय हैं ना हमारे पास, आसपास कहते हैं ना, हमारी चीजें बड़ी सारी हैं जिसके यूज से हम अपने ग्रह शांत कर सकते हैं, हमारे ग्रह मजबूत कर सकते हैं। हमें इतना पैसा, कोई एस्ट्रोलॉजर इधर ये कर दो, शांति करा दो, पूजा करा दो, हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास सारी चीजें हैं जिसके कहते हैं ना, जिससे यूज से हम अपनी सारी चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको मैंने जो चीजें बतानी है आप उस चीज को फॉलो करो। मैं आपको चैलेंज मार के बोलती हूँ, आपकी चीजें इतनी जबरदस्त चीजें आपको बता रही हूं, आप खुद देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज तक चीजें हुई नहीं सही तरीके से, कुछ किया नहीं ना, इसीलिए नहीं हो पाई। अब आप करना शुरू करोगे कैसे चेंजेस? लोगों के काम बने जा रहे, धड़ाधड़ बन रहे हैं भाई। कैसे बन रहे? कर रहे हैं तो बन रहे हैं। आप समझे मेरी बात को? घूम फिर कर बात तो सिर्फ कहीं पर किसी से पूछ लो। अगर मैं किसी के पास गई हूं पूछने के लिए कुछ, अगर ये मुझे पता चले कि हो जाएगा पर दोष की वजह से नहीं होगा, ये क्या बात बनी? मेरे को नहीं, ये तुक मेरे को समझ नहीं आता, सीधी बात। अब हमने जो जो चीजें आपको बताऊंगी, चार पांच चीजें ही बताऊंगी बट होंगी जबरदस्त। पहला उपाय नोट डाउन करो, अब ये किस चीज के लिए, जिनको भी बीमारी है ना, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। दूसरी चीज, पैसों की तंगी है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, वृद्धि नहीं हो रही है ना, 99 पे आकर चीजें कट जाती हैं। ऐसे लगता है कि कुछ ना बंधा हुआ है जो हमें बाहर नहीं आ पा रहा है ना, मतलब कहते हैं ना, हम उस जाल से बाहर नहीं आ पा रहे, तो क्या करोगे? ऐसी होती है, बहुत चीजें होती है, मतलब बरकत नहीं रहती। पैसों का सोर्सेस कहते हैं ना, पैसा यहाँ से आया और वहां से दवाइयों पे लग गया, अब उसको क्या मानोगे? उसको कमाई मानोगे कि क्या मानोगे? हैं, अगर ये चीज है तो पहली बात तो शिवलिंग पे रात के समय है ना, 8-9 बजे के करीब में आप अपना शिवलिंग पे घी का दीपक जलाना शुरू कर दो। अब जिनके कहते ना मंदिर दूर होते हैं, नहीं जा सकते इतना दूर, क्या करेंगे है ना, एक बार जब, वैसे भी अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के बाद में मैं आपको बात कर रही हूँ, उसके बाद में है ना, शिवलिंग पे 8-9 बजे के करीब पे जाकर रात के टाइम शिवलिंग के आगे घी का दीपक जलाओ। दूसरी चीज, अगर ये चीज नहीं हो सकती तो आप क्या करोगे? तो आपने एक पारे का शिवलिंग ले आओ घर पे। कितना बड़ा होना चाहिए? अंगूठा होता है, अंगूठा से इतना, ये अंगूठा से छोटा होना चाहिए। कोई भी मूर्ति हम घर पे रखते हैं ना, तो अंगूठे से छोटी होनी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां सही बात नहीं होती, ये चीज है ना। ये पहला उपाय ये है। दूसरी चीज, जो गजलक्ष्मी, जिनको भी आर्थिक समस्याएं, कारोबार नहीं हो पा रहा, मैं कहती कि जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, देखो दिक्कत तो दिक्कत है, जो मेरी दिक्कत होगी, हो सकता है आपको लगे कि वो कुछ नहीं है, जो आपकी दिक्कत है हो सकता है मुझे लगे कि भैया कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए जो बंदा उस चीज को फेस करता है, पता तो उसको होता है ना कि मैं वो क्या फेस कर रहा है, सीधी बात है। आज की डेट में काम नहीं है, कुछ नहीं है, घर कैसे चलाएंगे, कैसे चीजें बनेंगी? तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है गजलक्ष्मी की, कारोबार में, जॉब के लिए, काम के लिए, पैसों के लिए, गजलक्ष्मी की कहते हैं ना, उनकी आराधना शुरू कर दो। उनकी एक फोटो रख लो है ना, या अपना मूर्ति छोटी सी अगर आ जाए है ना, छोटी सी, जैसे मैंने बोला अंगूठे से छोटी 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 आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फोटो रख लो यार। उसके आगे आपने 3 घी के दीपक जलाने हैं और उनको चांदी का जो सिक्का होता है वो आपने अर्पित करना है, गुलाब का फूल अर्पित करना है, ये चीज है। इसके साथ में जो मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः, इस चीज का करो, जाप करो आप, वो कहते हैं ना एनर्जाइज, वो इनर्जीज तो क्रिएट करोगे, आवाहन तो करोगे उस चीज का। तो कैसे? जब आप, मैंने हमेशा बोला है मंत्र साधना में है ना, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है बट आप अपने को, अपनी चीजों को इतना स्ट्रांग कर सकते हो अगर आपने आराधना करनी शुरू कर दी, अगर आपने मंत्र जाप करने शुरू कर दिए। मार्क माय वर्ड्स, आपके अलावा आपकी चीजें और कोई ठीक कर ही नहीं सकता, सीधी बात है। अब एक चीज बता देती हूं, इसका दूसरा भी एक चीज है। अब जिनको भी पैसों से दिक्कत है, 99 पे चीजें कट रही हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, क्या करोगे? लक्ष्मी जी की, ये वाली भी जो है ना, लक्ष्मी जी की जो है
फोटो हो गई, मूर्ति हो गई, चावल की डेरी, थोड़े से चावल रख दो उसके ऊपर मूर्ति रख दो। फ्राइडे वाले दिन ये करना है आपने, चावल के ऊपर उसके सामने घी का दीपक जलाओगे और उसके साथ में चांदी का सिक्का उनको अर्पित करोगे। सेम ये वाला जो मंत्र जाप है ये चीज कर लो, ओम श्रीम रीम श्री मां लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम रीम श्री मां लक्ष्मी नमः, ये चीज करो। कितना करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, 108 कर लो, 1008 कर लो, बुलाओ आप जैसे जैसे आप जितनी शिद्दत के साथ में जितनी एनर्जी उसके अंदर डालोगे वो उतनी उस लेवल पे चीजें काम करेंगी, चीजें बनेंगी, बना के तो देखो बनेंगी 100%। बैठे थोड़ा रहेंगे, दो ही ऑप्शन है, या तो धक्का स्टार्ट गाड़ी जैसे चल रहा है चलते रहो, या तो कहते ना अपनी चीजों को अपनी हाथ में ले लो और आगे बढ़ लो, समझे मेरी बात को, ये चीज हो गई है ना। अच्छा ये वाला जो सिक्का है, जैसे हमने है ना वो चावल की डेरी पे लक्ष्मी माँ की स्थापना कर दी, अब आपने है ना चांदी का सिक्का चढ़ा दिया, वहां पर बैठकर आपने वो कर लिया मंत्र जाप कर लिया, अब आप क्या करोगे, वो जो सिक्का है वो अपनी तिजोरी में रख दो। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त है ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, स्पेशली वैसे तो सबके लिए ही है, सबके लिए ही है ना, लेकिन कारोबार के लिए। एक तो मीन राशि, वृषभ राशि, मकर राशि, धनु राशि और कन्या राशि, इन राशि वालों को तो ये करना ही है। गज लक्ष्मी वाला भी जो उपाय मैंने बताया जबरदस्त है, जबरदस्त रिजल्ट देगा। लगन से देख लो, मून से, जो भी अगर आपकी ये राशि आ रही है तो उस चीज को करो अपना, सीधी बात। अब आपको एक और चीज बता देती हूँ, जिनको भी मैं कहती हूँ गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है ना, मतलब वाकई में हर इंसान को उसकी स्थिति पता होती है, इतने कर्जों में डूब गए हैं नहीं समझ आ रहा पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलाएंगे। मैंने ना कुछ कंसल्टेशन तो ऐसे तक करी है कि कहते हैं ना मतलब रोते रोते आए हैं कि अब क्या करें हम लोग, हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि अगर हमने जिसको जिससे पैसा लिया उठाया उसको नहीं चुकाया तो हमको वो खत्म कर देगा। अगर यहाँ तक कई बार ऐसी चीजें स्थिति बन जाती है कि कर्जे नहीं चुक रहे, क्या करोगे, कमल गट्टे 108 कमल गट्टे फ्राइडे वाले दिन 108 कमल गट्टे जो होते हैं वो अपने पास रख लो, एक छोटा सा हवन कर लो, एक पहले मंत्र नोट डाउन कर लो, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी स्वाहा, ये पिन कर दूंगी मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने कमल गट्टे से आम की लकड़ी, देसी कपूर, घी आपने डाल दिया, अग्नि जला ली हवन कुंड में छोटा सा, कमल गट्टे से करो, फ्राइडे फ्राइडे करो, हर फ्राइडे फ्राइडे करो, आपकी चीजें देखते जाओ, अपने पे विश्वास रखो, इन चीजों पे विश्वास रखो, 100% होएगा, बहुत जबरदस्त चीज है। एक और चीज बता देती हूँ, घर पे कलेश हो रहे हैं नहीं समझ आ रहा, झगड़े बिना बात के झगड़े कलेश, मतलब कहते हैं ना कई बार होता है यार छोड़ के जाओ यार, क्या इतने झगड़े, अगर ये चीज हो रहा है क्या करोगे। रात को जितनी भी है ना, जितने भी लोग हो घर पे, औरतें जितनी भी हैं, इवन आदमी भी, क्यों भाई ऐसा क्या है, आपको चीजें ठीक करनी है आप भी एफर्ट्स करो ना, औरतें ही थोड़ा करती रहेंगी, कोई ऐसी मैं आदमी औरतों में भेदभाव नहीं सोचती, हर बंदा ठीक है यार, है ना। अगर लग रहा है घर किचन साफ करो, घी का दीपक जलाओ, घी का दीपक में थोड़ा सा केसर डालो और कपूर जलाओ, पूरी किचन साफ होनी चाहिए, बर्तन कुछ नहीं चाहिए मेरे को, है मेरे को मतलब है कि नहीं इस उपाय में, मेरा मतलब ये चीज करो। दूसरी चीज, एक और चीज बता देती हूँ, जिनको भी पितृदोष है, इसके बारे में तो मैंने डिटेल में बात करनी है, पर मैं एक आपको चीज बता देती हूँ, एक उपाय तो आपको बता दिया मैंने, ये है ना घर साफ करके, किचन रात के टाइम पे पूरी साफ होनी चाहिए, कपूर जलाओ, घी का दीपक जलाओ, केसर डालो। वैसे भी ये जो रोज सोते समय रात को भी घी का दीपक जला सकते हो केसर डालकर, बहुत बढ़िया, वैसे ही बहुत बढ़िया। ये जिनको भी पितृदोष है, शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पितृदोष यहां पर होता है मंगल काम कुछ करने ही नहीं देता, होने ही नहीं देता, तो क्या करोगे, एवरीडे 99 पे चीजें अटकती हैं, बंदा संघर्ष कर करके थक जाता है, मतलब नहीं हो पा रही, हर चीज करके देख लिया नहीं हो पा रहा, क्या पितृदोष।
अगर पितृदोष है, पितृदोष का निवारण आप करोगे, आप अपनी अपने एफर्ट से करोगे, आप समझे मेरी बात को। अब ये करा देते हैं, अब वो शांति कराएंगे, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, लोग जो बोलते हैं बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियोस मैंने पर्दाफाश किया हुआ इस चीज का, समझे मेरी बात को। आपको भी पता है जो करना है आपने करना है, करो ना। अब एक चीज बता देती हूँ, रोज जिनको भी जिनकी भी पत्री में वो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं, प्लेनेटरी पोजीशंस, मेरे अगर फादर नहीं है मेरे से गुस्सा होकर क्यों जाएंगे, मेरा क्यों बुरा करेंगे, ऐसी चीज नहीं होती। प्लेनेटरी पोजीशंस अगर पितृदोष उत्पन्न कर रही है, अगर घर पे चीजें हैं, घर का वास्तु बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो बता दूं पाजा लोगों, वास्तु क्लासेस शुरू हो रही है, टैरो क्लासेस शुरू हो रही है, हीलिंग क्लासेस शुरू हो रही है, वाया ऑफकोर्स वीडियो कॉलिंग होगी, है ना, तो वो क्लासेस वगैरह शुरू हो रही है, कंसल्टेशन है ना, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। तो जिनको भी अपना ये सीखना है, वास्तु कंसल्टेशन भी शुरू हो गई है, वो भी मैं आपको बता दूं, जिनकी जिन जिनको भी करवाना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। अभी पीछे बहुत ज़्यादा टाइट अप चल रही थी, कंसल्टेशन बैक टू बैक थी, तो रजिस्ट्रेशन बंद की हुई थी, है ना। तो अब मैं आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको कॉल बैक करूँगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पितृदोष है, रोज घी का दीपक जलाओ। अब प्लीज मुझसे ये मत पूछना संडे को छोड़ के, संडे को छोड़ के, संडे को पीपल के पेड़ पे दीपक नहीं जलता, सीधी बात। संडे को छोड़कर आपने रोज घी का दीपक जलाना है। मत पूछना तिल का जला ले, सरसों का जला ले, जिसका जो तरीका है वो वैसी तो करोगे ना यार। मैं कुछ भी सिर्फ बताने के लिए कुछ भी बता दूं क्या, कुछ भी मेरे बस की बात नहीं है। घी का दीपक जलाओ, बहुत बढ़िया रहेगा, चीजें अपना होनी शुरू हो जाएंगी। एक और आपको जबरदस्त सी चीज बताती हूँ, जिनकी शादी विवाह में दिक्कत आ रही है क्या करोगे, विष्णु जी के मंदिर में जाओ, एक चांदी का ग्लास जो होता है, चांदी के ग्लास में जल, पांच अलग अलग प्रकार की पीली मिठाई, दो इलायची, ये जो चीज है ये आपने विष्णु जी को अर्पित कर देना है। अब एक बात बताती हूँ, ये जो मिठाई है और दो इलायची है ये आपने अर्पित कर दी, जो पानी का ग्लास है ना चांदी का वो चढ़ाना नहीं है, उसको बस ऐसे ऐसे छिड़क के आ जाओ, जल्दी जल्दी बोलती हूँ मेमोरी लो है, है ना, वो छिड़क देना, आपने वापस आ जाना, वो ग्लास ले आओ वापस। और उसके साथ साथ में जिनका भी विवाह नहीं हो रहा या विवाह में दिक्कतें आ रही है, ये सारी चीजें थर्सडे वाले दिन ही उपाय करोगे। और एक चीज बता देती हूँ, केले के पेड़ पे जल और हल्दी चढ़ाना शुरू करो थर्सडे वाले दिन, जल अर्पित करोगे, हल्दी अर्पित करोगे ये केले के पेड़ पे, और घी का दीपक जलाओगे। विष्णु जी के भी आगे है ना, पांच मिठाई, दो इलायची, पानी में जल अर्पित करना और घी का दीपक जलाना, जबरदस्त है, करके देखो पाशा लोगो। मैं जाती हूँ फिर लौट के आती हूँ। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, आप मुझे लाइक करोगे यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। वीडियो को लाइक तो करो, है ना, और शेयर करो पाशा लोगो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी बोलो मेरे साथ ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।